हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेहतरीन खाना यूट्यूब चैनल में। आज हम गोभी के पराठे बनाएंगे। गोभी के पराठे बनाने के लिए हमने ये आधा किलो गोभी ली है, इसको धो के गर्म पानी में अच्छे से रख लिए। हम इसको कद्दूकस करते हैं। हम इससे गोभी को कद्दूकस कर लेते हैं, घिस लेते हैं इसमें। गोभी में डंठल हो तो ऐसे कद्दूकस करके इसको छोड़ दें। गोभी के पराठे नाश्ते में बहुत टेस्टी लगते हैं। सर्दियों में सीजन गोभी बहुत आती है, गोभी के पराठे, गोभी के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए ऐसे करके हम सारी गोभी को घिस लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने गोभी सारी घिस ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करेंगे। अदरक हम बारीक वाले से करेंगे, ये वाले से। इसके अंदर गोभी में बादी बाई होती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा अदरक डालते हैं। हमने अदरक भी इसमें घिस लिया है थोड़ा सा, आधा इंच का। हमने दो प्याज लिए हैं, ये बारीक बारीक काट लिए हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हमने तीन हरी मिर्च ली हैं, बारीक काट ली हैं, और धनिया है, ये भी इसमें डाल देंगे हम। इन सबको मिला लेंगे हम। देखिए दोस्तों, अगर आप उसी टाइम गोभी धो के अगर घिसेंगे तो ये थोड़ी गीली हो जाती है, तो इसको ऐसे करके इसका पानी निकाल दें तो पराठे फटते नहीं हैं। मैंने अभी अभी अपनी गोभी धोई है, इसमें पानी भर जाता है। या फिर एक घंटे या दो घंटे पहले आप धो के इसको रख दो। ये गोभी हमने सारी निचोड़ ली है, और ये जो गोभी का पानी है इसमें हम आटा गूंद लेंगे। हमने एक कटोरी आटा लिया है, इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसको आटे को अच्छे से गूंदेंगे। पराठे का आटा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट गूंदना चाहिए, जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा ढीला और सॉफ्ट सा होना चाहिए। अब हम आपको गूंद के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आटा गूंद लिया है। ऐसा आटा गूंदना चाहिए, नरम। इसके पराठे बहुत बढ़िया बनेंगे, सॉफ्ट, और ये फटेंगे नहीं। तो बनाना शुरू करते हैं। गोभी हम इसमें डाल लेते हैं। एक चम्मच अजवाइन डाल लेते हैं। आधा चम्मच हम भुना हुआ जीरा डालते हैं, पराठों में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। आधी चम्मच हम मिर्ची डाल लेते हैं। इन सबको हम मिला लेते हैं, मसालों को। आधी चम्मच हम गरम मसाला डाल लेते हैं। इसमें हम नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक थोड़ी देर में डालेंगे, नहीं तो गोभी फिर से पानी छोड़ देगी। भरते समय हम इसमें नमक डालेंगे। गैस जला के तवा रख दिया है। इतना बड़ा हम पेड़ा लेंगे पराठे के लिए, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा पेड़ा लेते हैं, रोटी से थोड़ा बड़ा। सूखे आटे में लपेट के इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। हम इसमें आधा चम्मच नमक मिलाएंगे। आधे में हम नमक मिला लेते हैं। इसमें ज़्यादा सा गोभी भरेंगे, इसको ऐसे करके उठाएंगे, जैसे ऐसे गोल गोल करके आटा इसका निकाल लेंगे। सूखे आटे में डिप करेंगे, हाथों से ऐसे थोड़ा दबा देंगे, चारों तरफ गोभी का मसाला हो जाए पेड़े में। हाथों से थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, हल्के हाथों से ऐसे हम इनको बेल लेंगे। और कहीं से आपको लगे थोड़ा सा फट रहा है या चटक रहा है तो आप इसमें सूखा आटा लगा लीजिए। हल्के हल्के हाथों से हम बेलन से बढ़ाएंगे, जितना आप बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, आराम से बन जाते हैं पराठे। ये देखिए बन गए। हम इसमें
थोड़ा सा घी डालेंगे तवे पे, तवा हमारा बिल्कुल सूखा है। अब ये पराठा हम उठाएंगे ऐसे करके, देखिए एक तरफ से हमारा पराठा बन गया। इसमें हम घी लगाएंगे, आप घी तेल जो भी पसंद करते हैं आप वो लगा सकते हैं। इसमें इसको पलट देंगे, देसी घी में पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, रिफाइंड में भी बहुत अच्छे बनते हैं, पर देसी घी की बात और ही होती है। ऐसे करके इसको सेक लेंगे, ये देखिए कितना अच्छे से सिक रहा है हमारा पराठा। ऐसे दबा दबा के इसको हम सेकते जाएंगे। सर्दियों के सीजन में भरमा पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मूली के, गोभी के, आलू के। अलट पलट के हम ऐसे ही सेक लेंगे इसको, कितना अच्छा कलर आया है पराठे का। बीच बीच में अगर ऐसे पराठा थोड़ा सा चटकता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे अगर गोभी के पराठे आप बना के खाएंगे ना, आपको कचौड़ी, पकौड़े, समोसे सब फीके लगेंगे इस पराठों के आगे। मैं सिर्फ गोभी का मसाला थोड़ा ज़्यादा भरना चाहिए, उसी से टेस्ट बढ़िया आता है। देखिए दोस्तों पराठा हमारा बन गया है, इसको हम उतार लेते हैं। देखिए दोस्तों पेड़ा ले लिया हमने, ऐसे करेंगे इसको सूखे आटे में डिप करेंगे। ये रोटी हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, चार कोने वाला पराठा बना के दिखाएंगे हम गोभी का। इसको ऐसे गोभी को, गोभी के मसाले को इस तरीके से रखिए और फिर इसको ऐसे एक कोने को ले जाइए, दूसरे कोने को ऐसे, और इधर से फोल्ड कर लीजिए। इसको भी ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इसमें सूखा आटा लगाइए। थोड़ा सा दबा लीजिए इसे, देखिए अब मैं इसे बेल के दिखाती हूँ आपको। हल्के हल्के हाथों से बेलन चला लीजिए, इसमें ऐसे ही बेलते जाइए। ये पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तीन कोने का, चार कोने का या गोल। ये देखिए हमारा चकोर पराठा बेल गया है, इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। आटा उठाएंगे हम, इस पर रख देंगे, एक तरफ से हमारा सिक गया है। ये देखिए इसको हम साइड से घी लगा देंगे, थोड़ा सा बढ़िया करके बना लेंगे पराठे को। इसको ऐसे करके घुमाएंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। देखिए दोस्तों इतना बढ़िया पराठा सिक रहा है। सर्दियों के सीजन में पराठे खाने का अलग ही मज़ा है। सर्दियों में हर सब्जी हरी भरी बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं, इसी सीजन में सब्जियां बहुत बढ़िया मिलती हैं। एक तरफ से हमारा सिक गया है, दूसरी तरफ से हम पलट देते हैं। चारों तरफ के किनारे विनारे सब अच्छे से इसके सिक गए हैं, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा यहाँ से कहीं से कच्चा है या कहीं से सिका है। बहुत बढ़िया सिकाए हैं पराठे, खूब सारा हमने गोभी का मसाला भरा है इसमें, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। चाय के साथ खाओ, दही के साथ खाओ, चाहे किसी के साथ भी खाएँ। देखिए दोस्तों ये भी हमारा पराठा बन गया है, देखिए एक चार कोने का और एक गोल। अब हम तीन कोने का पराठा भी बना के दिखाते हैं आपको गोभी का। ये देखिए हमने एक पेड़ा और ले लिया है, इसको बेलेंगे, सूखे आटे में डिप करेंगे ऐसे। तो हमने एक बड़ी सी रोटी बेल दी है, अब इसको हम तीन कोने का पराठा बना के आपको दिखाते हैं। इस तरीके से पराठे नहीं खाए होंगे ना बनाए होंगे कभी, जिस तरीके से हम आपको तीन कोने के, चार कोने के या गोल बना बना के दिखा रहे हैं, ये थोड़ा अलग तरीका है। ऐसे करके इसमें हम मसाला डाल लेते हैं, इसको कोने को हम यहाँ ऐसे लाएंगे, इधर वाले कोने को इससे चिपका देंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे चिपकाएंगे, इसको हम दबा लेंगे।
अब हम आपको बेल के दिखाते हैं इसे। सूखा आटा लगा लेते हैं ऐसे, हल्के हाथों से इसको बेलिए। हमारे घर में गोभी के पराठे सबको बहुत पसंद हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा बन गया पराठा। इधर घी डाल लेते हैं हम थोड़ा सा। पराठे को हम ऐसे रख देते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ से ये हमारा पराठा सीख गया, इसको पलट देते हैं। इसमें हम घी डाल देते हैं इधर से। इसको पलट देते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से हमारा सीख गया है। पराठे का कलर कितना बढ़िया आया देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये पराठा भी हमारा बन गया है। इसको हम उतार लेते हैं, गैस हम बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एक तीन कोने एक चार कोने का एक गोल, सारे पराठे हमारे बन गए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं इसमें गोभी का मसाला कैसे भरा हुआ है। ये देखिए, देखिए दोस्तों कितना बढ़िया पराठा बना हुआ है। चारों कोने में गोभी का मसाला भरा हुआ है इसमें। अब खाने में बहुत टेस्टी हैं ये पराठे। देखिए दोस्तों, आप भी बनाइए, खाइए, बहुत मज़ेदार और बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी हैं, बहुत बढ़िया हैं। अगर आपको हमारे गोभी के पराठे की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।